जय माता दी। जय सनातन धर्म। आज माता जी का सातवां दिन है और हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले हम माता जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले माँ को स्नान करवाएंगे। फिर कुमकुम सिंदूर चढ़ाएंगे। माँ के चरणों में हल्दी लगाएंगे। देखिए लौंग और इलायची चढ़ाएंगे। तक की पूजा करेंगे। ऋषि बोले, देवी जी ने दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया। तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि के मुख करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी देवताओं को चमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित हुए। उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता भुवनेश्वरी, विश्व आप हो। देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपके प्रशंसा से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका वेद है। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, आप अकेले ही सारे जगत को व्याप्त की हुई हैं। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबके आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होवेगी। आपकी स्तुति के लिए कौन सी उत्तम उक्तियाँ हो सकती है? सारे जनों के हृदय में वृद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठ आदि रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामी, जगत का एकमात्र आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम प्रशंसनीय है। आप ही तो जल स्वरूप में स्थित होकर सारे विश्व को व्याप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परमाजित माया भी स्थानों के क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूप है नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली हो, सभी अर्थों की सिद्धि कराने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीनों नेत्रों वाली हो। गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि स्थित एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न करने
संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के रूप से त्रिशूल चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित है नारायणी आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा सार्ग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी रूप प्रसन्न हो नारायणी आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए बारह रूपी धारणी शिवे नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोक की रक्षा करने में परायण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली भी किरीट धारणी महाब्रज धारणी वृषासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति नारायणी आपको नमस्कार हो। शिवदूती के रूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली मुंड मालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सदा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या रूपी नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा सरस्वती वरा ऐश्वर्य रूप पार्वती महाकाली संयमशीला सर्व स्वामिनी हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख तीन नेत्रों से भूषित अति सुंदर है हमारी सभी भय से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली सभी दैत्यों का नाश करने वाली भटकती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी रक्षा करें आपको नमस्कार हो। देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है वह हमारा मंगल करे हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं को नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। देवी आपने जो आज इन धर्म देशी महादैत्यों का आश्रय किया है इनमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवाय और कोई का वर्णन आता है और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को आज्ञा रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में कूद भटक रही है। जहाँ राक्षस हो जहाँ कठोर विष वाले शप्र हो जहाँ शत्रु हो जहाँ पर डाकुओं का दल आग जाए वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के माध्यम में ये जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी आप विश्व को धारण करती हो। आप विशेश्वर से भी बंधनीय हो। पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वह विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी विश्व भर के दुख दूर करने वाले प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली
हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाह वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वैव स्वस्थ मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ अनिशुंभ नामी दो और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचंती नामक घोर दैत्यों का भ्रषण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तथा वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगे। तब मनुष्य मेरा शताश्री नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवगण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती, तब अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस समय से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी का इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वालों राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भ्रषण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाली असंख्यों ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्रह्मारी कहकर लोग सर्वस्त मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय सनातन धर्म। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।